आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतं मृतं च हिरण्येन शविधारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, हम आपसे आज चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं इनका कैसा रहने वाला है 2023। आज इसी विषय पे करते हैं आपसे चर्चा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला यह नया साल 2023 बहुत ही बेहद अनुकूल रहने वाला है, अर्थात अच्छे परिणाम देने वाला है। परिवार का सहयोग मिलने वाला है और इसके साथ साथ में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आय के स्रोत, अर्थात आप जो भी व्यापार करते हैं, जो कार्य करते हैं, वहां से आय के स्रोत, आमदनी के स्रोत भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यह वर्ष व्यापार के लिए भी आपका उत्तम रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। व्यापार का जो भी व्यापार आप करते हैं उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छी कमाई के योग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात व्यापार में आपको शुभता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह वर्ष उत्तम रहने वाला है, उनके लिए भी यह वर्ष शुभ है, मंगलदायक है, अच्छा रहने वाला है। कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। बैंकिंग और कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए यह साल कई तरह के बदलाव भी लेकर के आने वाला है। बैंकिंग का कार्य करने वाले, कम्युनिकेशन वालों के लिए यह साल बड़ा ही अच्छा बदलाव लेकर के आ रहा है। आपका दांपत्य जीवन भी ठीक रहेगा। बीच बीच में यात्राओं का योग भी बनता रहेगा आपका। कहीं आपको यात्राओं के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए या किसी शादी समारोह, फंक्शन इत्यादि में जाने के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी आपको तकलीफें दे सकती हैं, अर्थात आपको बीमारी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप जाकर के तुरंत डॉक्टर से परामर्श करके उस रोग के निदान के लिए आपको दवा इत्यादि लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस वर्ष में आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी है। माँ लक्ष्मी का आपको पूजन करना है, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है और इसके साथ साथ ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी के पावन चरणों पर अगर संभव हो तो शुक्रवार के दिन आप लाल पुष्प भी चढ़ाइएगा। इससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा को बना करके रखे और आपको लाभ की प्राप्ति होती रहे। अगर आपको कोई और विशेष जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, आप बात कर सकते हैं गृह प्रवेश, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान के लिए। या आप सोचते हैं हमारी जन्मपत्री में गंडमूल दोष है, काल सर्प दोष है, महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना है, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान कराने हैं, तो वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक आचार्यों के द्वारा ये सारे अनुष्ठान पूरे देश में संपन्न कराए जाते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।